गुड मॉर्निंग बच्चों, आज जो एक टॉपिक हम लोग समझने जा रहे हैं वो एक बहुत ही अच्छे सेक्टर से है, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ टॉपिक है। चैप्टर का नाम है अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज, यानी कि एक बैंक में किस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, इसी से जुड़ी हुई कुछ बातों पर आज डिस्कस करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक बैंक अपने कस्टमर्स को कई प्रकार के लोन, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, उनको फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए, बिजनेस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए या अन्य कई कारणों से देती है। बैंक जिस समय अपने कस्टमर को लोन देती है उस समय इस बात का पूरा यकीन होता है कि कस्टमर और उसका फाइनेंशियल पोजीशन दोनों अच्छे पोजीशन में है। अगर इसमें किसी प्रकार का शक अगर बैंकिंग संस्था को हो जाएगी, या तो कस्टमर ठीक नहीं है या फिर इसका फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बैंक लोन देगी ही नहीं, प्रदान करेगी। लेकिन जब बैंक ने कस्टमर को लोन दे दिया और लोन देने के कुछ समय बाद बैंक को इस बात की जानकारी हुई कि कस्टमर का फाइनेंशियल पोजीशन जो है वह अच्छा नहीं है, उससे लोन और उस लोन पर अक्रूड इंटरेस्ट का कलेक्शन करना अब मुश्किल सा हो गया है, तो ऐसी स्थिति में बैंक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में किस प्रकार दर्शाएगी, तथा साथ ही जब अगले वित्तीय वर्ष में बैंक को इस बात की जानकारी मिले कि कस्टमर फाइनली इंसॉल्वेंट हो गया है, दिवालिया हो गया है, और पूरे लोन के बदले में एक निश्चित परसेंटेज प्राप्त करके ही अब हमें सेटिस्फाई होना पड़ेगा, और ऐसा हुआ तो ऐसी स्थिति में बैंक किस प्रकार अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इन चीज़ों को मेंशन करेगी, कैसे इस रिकॉर्ड को मेंटेन करेगी, इन्हीं बातों पर चर्चा करना है। चर्चा शुरू करने से पहले एक बार इस चैप्टर के इम्पोर्टेंस को बता दें, चूँकि अभी वर्तमान जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है उसमें बैंकिंग सेक्टर का बहुत अहम रोल है, और ऐसे चैप्टर से प्रश्न कई एक तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में जहां पर बैंकिंग कंपनी चैप्टर पढ़ना हो तो उस चैप्टर में इस टॉपिक को लगभग हर विश्वविद्यालयों के डिग्री कोर्सेज में, ऑनर्स कोर्सेज में इसको समझना होता है, इसको जानना होता है। तो आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ऊपर में लिखा गया है कि इन बैंक बुक्स कस्टमर्स अकाउंट इज डेबिटेड
फॉर अमाउंट गिवन टू हिम। बैंक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उन कस्टमर्स के अकाउंट को डेबिट करती है जिसको उसने कुछ राशियां उधार दी है। इंटरेस्ट ऑन दिस अकाउंट इज ऑल्सो डेबिटेड टू दिस अकाउंट। और ऐसे अकाउंट पर जो इंटरेस्ट एक्रूड होती है बैंक उसको उसी कस्टमर अकाउंट में डेबिट करता है। इफ फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ कस्टमर इज रिपोर्टेड बैड, और जैसे ही बैंक को कस्टमर के फाइनेंशियल पोजिशन खराब होने की सूचना मिलती है, देन प्लेस ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट इज ओपन। जैसे ही बैंक को इस बात की जानकारी मिलती है कि कस्टमर का फाइनेंशियल पोजिशन जो है वो पुअर हो गया है, खराब हो गया है, लोन जो है वो डाउटफुल पोजिशन में चला गया है, तो ऐसी स्थिति में उस लोन पर अर्जित इंटरेस्ट को बैंक इंटरेस्ट अकाउंट में डेबिट ना करके उसको इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में डेबिट करती है। तो दो बातों को यहां समझना है। पहला बात तब जब ठीक उस समय क्या अकाउंटिंग होगा जब बैंक को पूर्व फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी मिली, और दूसरा किस तरह से अकाउंटिंग किया जाएगा जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बैंक को कस्टमर के इंसॉल्वेंट होने की सूचना मिली और उससे एक जो फाइनल सेटलमेंट के रूप में जो पैसा मिला, तो इन चीज़ों का कैसे बैंक के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग होगा, अकाउंटिंग होगा, इन्हीं बातों को हम लोग को समझना है। तो पहले हम लोग एक जर्नल समझते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या जर्नल एंट्रीज मेंटेन किए जाएंगे। तो वेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ कस्टमर रिपोर्टेड बैड एट द एंड ऑफ ईयर, जब साल के अंत में या साल के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जब कस्टमर के पुअर फाइनेंशियल पोजिशन का सूचना मिलता है, तो ऐसी स्थिति में बैंक कस्टमर अकाउंट को डेबिट करता है और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करता है। यह इंट्रीज होगा उस लोन पर अर्जित ब्याज से होगा। लोन का मतलब यहाँ डाउटफुल लोन से है और डाउटफुल लोन के इंटरेस्ट से ये एंट्री होगा। उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर में वो कस्टमर इंसॉल्वेंट हो जाता है और उससे फाइनल सेटलमेंट के रूप में जो अमाउंट इंस्टीट्यूशन प्राप्त करती है उसके लिए कैश अकाउंट को बैंक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट करती है। जो पैसा प्राप्त किया इसके लिए कैश अकाउंट को डेबिट करेगा। कस्टमर के यहाँ बैंक का दो तरह का राशि बाकी है, बाकी रहता है, एक लोन का राशि और दूसरा उस लोन पर अर्जित ब्याज का राशि। तो लोन और उस पर ब्याज की राशि का जो हिस्सा प्राप्त हुआ बैंक उसको कैश अकाउंट में डेबिट कर देती है। बैड डेट्स अकाउंट में उस अमाउंट को लिखा जाता है, लोन के उस पार्ट को लिखा जाता है जिसको बैंक ने कस्टमर से वसूल नहीं किया, यानी कि लोन का जो इनरिकवरेबल पार्ट हो गया वो बैड डेट्स अकाउंट में डेबिट होगा, और इंटरेस्ट का जो इनरिकवरेबल अमाउंट हो गया, इंटरेस्ट का जो पैसा बैंक वसूल नहीं कर सका वो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में डेबिट होगा। कस्टमर अकाउंट में जो टोटल अमाउंट होता है लोन का और इंटरेस्ट का, उन दोनों राशियों को मिला करके हम लोग क्रेडिट करते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में प्राप्त कुल जो इंटरेस्ट अर्न था और टोटल जो इंटरेस्ट अर्न था उसका जो पार्ट बैंक रिसीव किया उसको इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट करती है। यानी कि पहले तो टोटल इंटरेस्ट को इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में डेबिट किया गया था और उसका जो पार्ट रिसीव हो गया उसको सस्पेंस अकाउंट से इंटरेस्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसको समझने के लिए एक उदाहरण का हम लोग सहारा लेंगे, उदाहरण के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे।
मान लेते हैं कि किसी कस्टमर को 2 लाख रुपए का लोन दिया गया था, एक कस्टमर के पास लोन का बैलेंस 2 लाख रुपए का था और उस पर जो अर्जित ब्याज था, जो अर्न इंटरेस्ट था, वो 20,000 रुपया था। एक सर्टन डेट को बैंक को इस बात की सूचना मिली कि कस्टमर का फाइनेंशियल पोजीशन पुअर हो गया। साल के अंत में बैंक को सूचना मिली कि कस्टमर का फाइनेंशियल पोजीशन पुअर हो गया, तो ऐसी स्थिति में जो अर्जित ब्याज है, जो इस पर अर्न इंटरेस्ट है, बैंक उसको इंटरेस्ट अकाउंट के बदले इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो उसके लिए हम लोग एंट्री करेंगे कस्टमर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। जो कुल ब्याज की राशि है, डाउटफुल लोन पर जो कुल ब्याज की राशि है, उसको कस्टमर अकाउंट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में रख देंगे। अब नेक्स्ट ईयर में ऐसा इंफॉर्मेशन मिला कि बैंक को ऐसा इंफॉर्मेशन मिला कि वो कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया है और उससे 80 पैसा प्रति रुपए में रिकवरी हो पाया है। तो हम जान रहे हैं कि 2 लाख रुपया लोन और उस पर 20,000 इंटरेस्ट, मतलब कि कस्टमर के यहाँ ड्यूज अमाउंट जो है वो 2,20,000 है, 2,20,000। तो उस 2,20,000 रुपए को हम लोग पहले कस्टमर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। इसका 80% जो प्राप्त कर लिए, तो 2,20,000 का 80% जब हम लोग निकालेंगे तो 1,76,000 आएगा। यानी कि लोन और इंटरेस्ट दोनों का 80% बैंक ने कलेक्ट कर लिया, वो कैश अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। अब लोन चूंकि जब 80% रिकवर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 20% इरिकवरेबल पोर्शन है, 20% बैंक वसूल नहीं कर सका है। तो फिर लोन 2 लाख का 20% यानी कि 40,000 बैड डेट्स में लिखेंगे और इंटरेस्ट 20,000 का 20% 4,000 रुपये को इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में लिखेंगे। और इस तरह से जब इन तीनों अमाउंट को जोड़ेंगे तो ये 2,20,000 रुपये के बराबर ही हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अब जो पोर्शन 80% हम प्राप्त किए हैं, तो 1,76,000, तो ये दो अमाउंट का कॉम्बिनेशन है, 80% ऑफ लोन और 80% ऑफ डाउटफुल इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का जो पोर्शन रिसीव हुआ उसको इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से इंटरेस्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। 20,000 का 80% 16,000। तो एक बार फिर से बातों को मिला लीजिए कि दो स्टेज में इसको समझना है। पहला, जब बैंक को कस्टमर के फाइनेंशियल पोजीशन बैड या डाउटफुल होने का जानकारी मिला, तो ऐसे कस्टमर के यहाँ जो इंटरेस्ट ड्यूज है उसको बैंक इंटरेस्ट अकाउंट के बदले इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट करती है। तो 2 लाख रुपया लोन और 20,000 रुपया जो उस पर इंटरेस्ट था, तो उसके लिए कस्टमर अकाउंट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 20,000 रुपये हो गए। अब नेक्स्ट ईयर में वह कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया और 80% के रेट से उससे जब रिकवरी हुआ, तो उसके यहाँ जो कुल बकाया राशि 2 लाख लोन 20,000 इंटरेस्ट सब 2,20,000 हुआ, तो उसका 80% 1,76,000 कैश अकाउंट में डेबिट हो गया। लोन का जो पोर्शन रिकवरेबल रहा उसको हम लोग बैड डेट्स अकाउंट में डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट का जो पोर्शन रिकवरेबल रहा उसको हमने इंटरेस्ट सस्पेंस में लिखा और इंटरेस्ट का जो पोर्शन रिसीव हो गया, जो कि वह 1,76,000 में इंक्लूडेड है, उसको हम इंटरेस्ट सस्पेंस से इंटरेस्ट अकाउंट में ट्रांसफर किए, जो कि 16,000 20,000 का 80% 16,000 रुपये होगा। अब इस चीज को अकाउंट में किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा,
ये जनरल तरह समझने के लिए हो गया कि सिचुएशन को रिकॉर्ड कैसे किया जाए। इस रिकॉर्डिंग के बाद जो कस्टमर अकाउंट बनेगा, जो इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट बनेगा, उसमें कैसे इसको पोस्ट किया जाए, आइए इसको लोग समझने का प्रयास करते हैं। जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर बताया है उसको हमने रिकॉर्ड यहाँ पर लिख करके रखा है, या उसको एक बार फिर से गौर कर लीजिएगा कि अनसिक्योर्ड लोन बैलेंस जो है एज ऑन 31 मार्च 2016 2,00,000 रुपए है। इस लोन पर जो इंटरेस्ट उस डेट तक अर्न हुए हैं वो 20,000 है। उसी डेट को यानी कि 31 मार्च 2016 को कस्टमर के फाइनेंशियल पोजीशन पुअर होने की सूचना बैंक को मिली, तो उस डेट को ही कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको प्रेजेंट किया जाएगा, और उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर में वो कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया और उसे 80% के रेट से बैंक ने एक्सेप्ट किया फाइनली, तो फिर उसको किस तरह से हम अकाउंट में प्रेजेंट करेंगे, आइए इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मार्च 31 को टू बैलेंस बीडी 2,00,000 टोटल लोन की राशि, इसी डेट को टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट जो 20,000 है। अब पूरी की पूरी जो यहां पर ड्यूज अमाउंट हो गया वो बाय बैलेंस सीडी 2,20,000, दोनों तरफ के जोड़ को इक्वल कर दिया जाएगा, और ये जो 2,20,000 जो बैलेंस है उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में टू बैलेंस बीडी 2,20,000 ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ये फाइनेंशियल ईयर 2016-17 यहां से शुरू हो गया। अब इस फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ कि इस लोन का और उस पर जो इंटरेस्ट अर्जित था उसका 80% के रेट से रिकवरी हुआ है, तो बाय कैश तो 2,20,000 का 80% 1,76,000 हम लोग चाहे तो यहां लिख दे सकते हैं 80% ऑफ 2,20,000। जो लोन का पैसा नहीं मिला वो बैड डेट्स में चला गया, तो वो क्या हो जाएगा, तो 20% ऑफ 2,00,000 यानी कि 40,000, और जो इंटरेस्ट का पैसा नहीं मिला वो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में लिख दिया जाएगा जो कितना है 4,000, और इस तरह से इधर का भी जोड़ 2,20,000 और इधर का भी जोड़ 2,20,000 रुपया आपके सामने। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट जब हम लोग बनाने चलेंगे तो चूंकि हमने एंट्री में इस इंटरेस्ट सस्पेंस को क्रेडिट किया था, यहाँ क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई कस्टमर अकाउंट, ये कितना पैसा, तो 20,000। इसको चूंकि अब यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करना है तो टू बैलेंस सीडी कितना पैसा 20,000, और दोनों तरफ का जोड़ बराबर बराबर करके इस वर्ष का बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करेंगे, और जो बैलेंस सीडी हुआ है उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में टू बैलेंस बीडी 20,000 ट्रांसफर कर देंगे, जिसका फाइनेंशियल ईयर 2016-17 हो जाएगा। डेट यहां पर हम लोग अप्रैल 1 मेंशन कर सकते हैं। अब लोन का जो पैसा मिल गया वो टू इंटरेस्ट अकाउंट में, और लोन का जो पैसा नहीं मिला वो कस्टमर अकाउंट में, तो 80% मिल गया, 20% नहीं मिला,
तो 20,000 का 80% 16,000 और उसी का 20% 4,000। तो इस प्रकार से हम लोग मिला लिए दोनों तरफ जो है 20,000 रुपया इक्वल कर दिए। तो कहने का मतलब यह हो गया कि ये वो टॉपिक हुआ कि बैंक किस तरह से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कस्टमर अकाउंट मेंटेन करती है, और स्पेशली तब जब कस्टमर का फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बैड हो जाता है और नेक्स्ट ईयर में वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, और उसके यहाँ जो अमाउंट ड्यूज होता है उसका एक सर्टेन परसेंट एक निश्चित भाग लेकर के ही उसको सेटिस्फाई होना पड़ता है। थैंक यू।